हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज हम ढोकला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे बेसन ले लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे चीनी, नमक और हल्दी। अब इसमें थोड़ा सा नींबू सज जाएगा, जिसको हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट है, उसको भी डालेंगे, और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। और यहाँ पे जाएगा पानी। पानी डाल लिए हैं, अब हम इसको थोड़े थोड़े हल्के हाथों से चलाएंगे। और ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि हमारा बैटर लम्प फ्री बने। पानी मिलाने के बाद हम कुछ ऐसा बैटर बना लेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, 10 से 15 मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम स्टीम करने से पहले इसमें इनो डालेंगे ताकि हमारा ढोकला फ्लफी हो। इनो डाल लीजिए, फिर इसको पानी डाल के एक्टिवेट कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए, ये हो गया एक्टिवेट। अब फटाफट इसको मिला लेंगे, एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। पानी इनो डालते ही देख लीजिए कि ये कितना हल्का हो गया है। अब हम इसको, ये टिन है, हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसको इसमें डालेंगे। तो हमने हाफ ही फिल किया है ताकि जब ये फूले तो इसको इनफ स्पेस मिल जाए। इसको पहले हम नीचे से टैप कर लेंगे ताकि जितने एयर बबल्स हो वो निकल जाए। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था और स्टैंड लगा दिया है। अब इसको, इस बैटर को केयरफुली हम लोग इस पे यहाँ पे रखेंगे और इसको ढक के 25 से 30 मिनट तक चेक करेंगे। तो हम लोग 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद चेक कर लेंगे। हमारा ढोकला बन के तैयार हो गया है, अब हम इसको देख सकते हैं कितना फ्लफी लग रहा है। अभी इस पे हम तड़का डालेंगे, अभी हम तड़के की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आपको इस पे पोर करके दिखाएंगे। स्पंजी ढोकला बन के तैयार है फ्रेंड्स, अब हम इस पे तड़का डालेंगे। तड़का डाल के इसको सर्व करेंगे, देखिए बहुत ही फ्लफी बना है। अब इस पे तड़का डालेंगे, फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।